Hello everyone, today we will study the life cycle of Albugo. Albugo is a plant parasitic fungi. It belongs to division Eumycota, subdivision Mastigomycotina, class Oomycetes and order Pyronosporales and family Albuginaceae. There are certain reasons why this fungus is kept in Eumycota, Mastigomycotina, class Oomycetes and all. That I will explain it further. It is basically a obligate parasitic fungi. Obligate parasitic species are those species which cannot survive without living host, and it is parasitic on the number of flowering plants, but it mostly affects the members of family Cruciferae. There is one very well known species, Albugo candida, that causes white rust of crucifer disease. It is known for its white rust disease. As you can see in this figure, it is showing the disease symptom. So what are the symptoms of disease? It causes mainly formation of yellow lesions or chloretic areas, yellowing on the upper surface of the leaf, and white pustules or white powdery mass on the lower surface of the leaf. Besides this, the infected organ becomes hypertrophied, or sometimes there occurs formation of gall on the infected organ. It mainly affects the stem on leaf, or sometimes root is also infected by this fungus. Now the mycelium of Albugo. You all know fungus are mostly, they are thalloid, means they have no true root, stem and leaf, and their plant body is made up of hyphae. In this fungi, the hyphae is branched aseptate and sinocytic. Aseptate means there is no septa, and sinocytic means all the nuclei are present in the same cell. क्योंकि इसमें सेप्टा नहीं होता है, इसलिए सारी न्यूक्लियाई एक ही सेल में प्रेजेंट होती हैं. एंड दिस फंगस रिजाइड्स इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द होस्ट. मेनली जैसा कि इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब, जैसे अगर ये किसी लीफ को इन्फेक्ट कर रहा है या स्टेम को इन्फेक्ट कर रहा है, तो ये सेल्स के बीच में ये फंगस रहता है और वहां पे ये हेस्टोरिया बना लेता है. हेस्टोरिया कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें एक हेड होता है स्फेरिकल और टेल होता है. और ये हेस्टोरिया का रोल मेनली क्या होता है? एब न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में होता है. जितने भी ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई होते हैं वो मोस्टली हेस्टोरिया का फॉर्मेशन करते हैं, और ये ऑब्लिगेट पैरासिटिक स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो क्योंकि ये फंगस ब्रान एसेप्टेट सिनोसेटिक है, इसीलिए इसे हम यूमाइकोटा में रखा गया है. एंड द वॉल ऑफ दिस फंगस इज मेड अप ऑफ सेलुलोस नॉट काइटिन, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओमाइसिटी. जितने भी सारे फंगस होते हैं उनके वॉल ज्यादातर काइटिन से बने होते हैं, बट केवल उस माइसिटीज एक ऐसा एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल मेंबर या एक्सेप्शनल क्लास है, क्लास ओमाइसिटीज, जिसमें की वॉल जो है सेलुलोस से बनी होती है. तो यही रीजन है कि क्योंकि एल्ब्यूगो की जो वॉल है फंगस की, ये सेलुलोस से बनी हुई है, इसीलिए इसे क्लास ओमाइसिटीज में रखा गया है. और क्योंकि यह यूकैरियोटिक है, तो इसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम सभी प्रेजेंट है. इट हैज सेवरल न्यूक्लियाई, मींस इट हैज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. तो ये हो गई बात इसके माइसिलियम की, जो कि ब्रांच है, एसेप्टेट है, सिनोसेटिक है, और इसका जो फंगस का सेल वॉल है वो सेलुलोस है. सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंगस एल्ब्यूगो. और इसके डिजीज के सिम्टम क्या है? इसमें डिजीज के पत्ती के ऊपरी सरफेस पे आपको येलो क्लोरेटिक एरियाज दिखेंगे, और पत्ती के निचले सरफेस पे आपको व्हाइट पाउडरी मास दिखेगा, और कभी कभी स्टेम की साइज बहुत बढ़ जाती है, रूट की साइज, जिस भी ऑर्गन को इन्फेक्ट करते हैं उनकी साइज बहुत बड़ी होती है. नाउ अबाउट रिप्रोडक्शन. इसमें रिप्रोडक्शन जनरली दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमने आपको पहले भी क्लास में बताया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल स्पोर के थ्रू होता है. इसमें कोई फ्यूजिंग पार्टनर नहीं इन्वॉल्व होते हैं. जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू हाइफी एंड टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, समटाइम्स एंथ्रीडियम ओगोनियम. जैसा कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें ओगोमस मेथड होता है, तो उसमें एंथ्रीडियम और ओगोनियम का फॉर्मेशन होता है. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन mainly takes place with the help of certain
स्पोर। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजिया या कोनिडियो स्पोरेंजिया उसे कभी कभी बोलते हैं स्पोरेंजियम के थ्रू होता है, और इस स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कोनिडियो फोर या स्पोरेंजियो फोर के ऊपर होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्पोरेंजियो फोर कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इसका एक साइड ब्रॉड हो और दूसरा साइड नैरो हो, और ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर कोनिडिया जितने भी है स्पोरेंजियम ये बेसिपिटल सक्सेशन में बने हुए हैं। बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब होता है जब कोई चीज नीचे की तरफ बेस की तरफ बने, तो दैट इज कॉल्ड बेसिपिटल सक्सेशन। और इसका फॉर्मेशन हमेशा एपिडर्मिस के, ये फंगस इस कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन एपिडर्मिस के नीचे करता है। जैसे कि अगर ये डायग्राम आप देख रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, तो इसमें जो कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन हुआ है वो एपिडर्मिस और मेसोफिल सेल के बीच हुआ है। आप कभी भी लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो आपको देयर आर थ्री काइंड ऑफ टिश्यू इन द सेक्शन ऑफ एनी लीफ, आउटर एपिडर्मिस, मिडल वन इज मेसोफिल, एंड इनसाइड देयर इज अ वैस्कुलर बंडल। सो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया टेक्स प्लेस बिटवीन द एपिडर्मिस एंड मेसोफिल सेल्स, एंड ड्यू टू ह्यूज प्रेशर कास्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोनिडियम द एपिडर्मिस बर्स्ट एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड फ्रॉम द स्पोर्स आर लिबरेटेड थ्रू द एपिडर्मिस एंड इट रिजल्ट्स इन द ह्यूज पाउडरी मास ऑन द सर्फेस ऑफ लीव। वही यही जो डिजीज सिम्टम हम देखते हैं वाइट पाउडरी मास उसके ऊपर, तो वो इसी के कारण होता है। ये स्पोरेंजियम के ब्रस्ट होने का दिखता है, वो सारी स्पोरेंजिया दिखती है उसके सर्फेस पे, दैट इज अ वाइट पाउडरी, दैट्स वाई इट कॉजेज द डिजीज सिम्टम इज अ वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। Now, after the formation of this conidium, how or sometimes we conidium or you may say sporangium, इनका germination कैसे होता है? Conidium का germination basically दो तरीके से होता है, sometimes it is a direct and sometimes it is a indirect. Direct means if conidium makes germ tube and give rise to new hyphae, then it is called डायरेक्ट। बट इफ इन इनडायरेक्ट देयर अकर फॉर्मेशन ऑफ सेवरल जूस्पोर, जैसा कि आप डायग्राम ए टू एच में देख रहे हैं, इट इन द डायग्राम बी टू जी इट इज शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। यहाँ बी में बी स्ट्रक्चर बी में आप देख सकते हैं, फिगर थ्री के स्ट्रक्चर बी में देयर आर सेवरल सेलुलर कंपार्टमेंट्स आर मेड। इसमें स्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन गए हैं और डिफरेंट जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, एंड फिगर इज शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ जूस्पोर। सो जूस्पोर इज अ बेसिकली बाइफ्लैजेलेटेड किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर, रेनीफॉर्म। ऐसे स्ट्रक्चर को रेनीफॉर्म मिलते हैं, रेनीफॉर्म का मतलब किडनी शेप्ड होता है, और बाइफ्लैजेलेटेड है जिसमें दो तरीके के फ्लैजेला का फॉर्मेशन है, वन इज टिंसल फ्लैजेलम जो कि टिंस, और अनदर वन इज व्हीपलेस। टिंसल फ्लैजेलम मतलब इसमें माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसे मेस्टियोनियम्स कहते हैं वो बना होता है, एंड व्हीपलेस मींस वेरी फ्लैट। तो दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओमाइसिटी, तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इसे ओमाइसिटीज में रखा गया। ओमाइसिटीज का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके जो भी जूस्पोर होते हैं वो बाइफ्लैजेलेटेड होते हैं, रेनीफॉर्म होते हैं, एंड दो तरीके के स्पोर होते हैं, वन इज वीपलेस एंड अनदर वन इज टेंसल। एंड दिस जूस्पोर स्वीम फॉर सम टाइम, ये थोड़ी देर तक इधर उधर तैरता है, उसके बाद ही अपने फ्लैजेला को विड्रॉ करके स्मूथ बन जाता है, एंड आफ्टर दैट इट मेक्स जर्म ट्यूब, जैसा कि आप डायग्राम एफ और जी में देख रहे हैं, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। फिर ये जर्म ट्यूब लीफ की स्टोमेटा के थ्रू और कभी कभी इपिडर्मिस को पेनेट्रेट करके होस्ट टिश्यू के अंदर एंटर कर जाता है। अब ये प्रोसेस हो गया री इन्फेक्शन का, एक इसकी साइकिल यहाँ कंप्लीट हो गई स्पोर के थ्रू। अब ये नए पत्ती को इन्फेक्ट कर रहा है, नए पौधे को इन्फेक्ट कर रहा है, तो इन द इंटायर ग्रोइंग सीजन दिस प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड री इन्फेक्शन गोज ऑन। Now the sexual reproduction of the albugo. Sexual reproduction of the albugo takes place by means of oogamous method. In the oogamous method, as I have told you earlier, there occur formation of two sex organ, antheridium and oogonium. Antheridium is a club-shaped structure and oogonium is a
globose structure, as you can see in the diagram. And in this life cycle, figure H is showing the structure of antheridium and oogonium. Oogonium is spherical structure hota hai, aur ye do region mein differentiated hota hai, central ooplasm and peripheral periplasm. In mein thoda sa cellular differentiation hota hai. Periplasm mein cell organelles ke numbers jyada hote hain aur ooplasm mein kam hote hain. Kisi member mein ooplasm uninucleated hota hai, waise jyada tar member mein multinucleate hota hai. So basically it has, aur ooplasm mein mainly एक पाया जाता है. एंड दिस एंथेरिडियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एंथेरिडियम का क्लब सेप्टिक स्ट्रक्चर है, एंड इट इज कनेक्टेड विद द ओगोनियम विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजेशन ट्यूब. एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिससे ये एंथेरिडियम ओगोनियम से अटैच होता है. और इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, एंथेरिडियम से मेल गैमेट निकल के ओगोनियम के अंदर जाता है और यहाँ पे दोनों में फ्यूजन होता है. एंड इट मेल गैमेट का, जैसा कि आप डायग्राम आई में देख सकते हैं, इट इज शोइंग द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड एग, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओस्पोर. ओस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा है? ओस्पोर इज अ मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर, कभी कभी ये बाईलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. इसमें आउटर एक्जोस्पोरियम होता है, अंदर की तरफ एंडोस्पोरियम. एंडोस्पोरियम तो स्मूथ होता है, लेकिन एक्जोस्पोरियम कुछ स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, एंड इट इज अ रफ इन आउटलाइन, एंड एंडोस्पोरियम इज अ स्मूथ इन आउटलाइन. एंड दिस ओस्पोर ऑल्सो जर्मिनेट बाई टू वे, समटाइम्स डायरेक्ट एंड समटाइम्स इनडायरेक्ट. जैसा कि आपने स्पोरिंजियम के केस में देखा है, यहाँ पे भी जर्मिनेशन दो तरीके से होती है. तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन में इट ओस्पोर विल फॉर्म सेवरल जूस्पोर एंड अगेन बाईफ्लैजलेटेड जूस्पोर, एंड इन द इनडायरेक्ट इट विल मेक जर्म ट्यूब विच फाइनली मेक द न्यू माइसिलियम. सो दिस इज द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ दिस फंगस. सो आपको क्या क्या चीजें पता चली इस फंगस के बारे में? ये एक ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है. ऑब्लिगेट का मतलब इसे विदाउट लिविंग होस्ट ये सर्वाइव नहीं कर सकता. इंटरसेलुलर का मतलब है ये इंटरसेलुलर स्पेसेस में ग्रो करता है और ये हेस्टोरिया बनाता है जिसके थ्रू ये न्यूट्रिशन अपने होस्ट से एब्जॉर्ब करता है. और इसमें इसका जो वॉल है वो बेसिकली सेलुलोज से बना होता है, ना कि काइटिन में, जैसा कि अदर फंगल मेंबर्स में होता है. और इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, वन इज एसेक्सुअल एंड अनदर वन इज अ एसेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियम से होता है. इसे कभी कभी कमी कोनिडियोस्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसका फॉर्मेशन कोनिडियोस्पोरेंजियोफोर के ऊपर होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस मेथड से होता है, जिसमें कि एंथेरिडियम और ओगोनियम बनते हैं. एंथेरिडियम ओगोनियम एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन ट्यूब से कनेक्ट होते हैं, फिर मेल गैमेट ट्यूब से होकर के फीमेल गैमेट के पास ओप्लाज्म में जाके फ्यूज करता है, और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओस्पोर. एंड दैट ओस्पोर will finally germinate to give rise a new mycelium. So this is the entire life cycle of the albugo. Now how to control this fungus? जैसा कि हमने बताया, ये बहुत सारी फ्लावरिंग प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है और ये मेजरली क्रूसीफेरी फैमिली मेंबर्स में बहुत ज़्यादा लॉस करता है. तो किस तरीके से इसे कंट्रोल करना चाहिए? तो इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ करें. रेजिस्टेंट वेराइटी वो वेराइटी होती हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से डेवलप की जाती हैं और जिसपे उसका इफेक्ट नहीं होता है फंगस का. वो किसी जीन को इंसर्ट करके बनाई जाती है, या फिर हम किसी फंजीसाइड का स्प्रे करें. फंजीसाइड क्या होता है? द फंजीसाइड्स आर द केमिकल विच कैन किल फंगस. या तो हम उसका स्प्रे कर दें क्रॉप के ऊपर, अदरवाइज देर इज वन अदर स्ट्रेटजी ऑफ क्रॉप रोटेशन. जैसे कि हम अगले सीजन में वो क्रॉप लगाने के बजाय कोई और क्रॉप लगाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन. देखो, ये फंगस का जो भी सीजन होता है, ये मोस्टली हाई मॉइस्चर एंड हाई टेम्परेचर वाला ये फेवरेबल टाइम होता है. तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जैसे अगर खेत में बहुत दिन तक पानी है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये सारी बहुत सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. कभी कभी तो अनअवॉइडेबल है, लाइक बहुत रेनी सीजन वेदर है, तो वो मॉइस्चर के कारण ये फंगस के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं. सो वी हैव टू अवॉइड दिस कंडीशंस. नाउ थैंक यू. और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. नाउ थैंक यू सो मच.